उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में ट्रैक्टर दे दिया जाए, कहा जाए कि चला लो तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है, ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते हैं, संतों को प्रताड़ित करते हैं। इंडी गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वह कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं, क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी, अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं।